एसआई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड गॉसिप में। जानते हैं आपकी हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर आप सभी को रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी खबरों से जो गॉसिप का कारण बनी होती है। मगर इस बार इस प्रोग्राम में आप देखेंगे जो खबर हम लेकर आए हैं वो है करीना कपूर खान को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड की बेबो ने एक ऐसा इंटरव्यू दे दिया है जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। दरअसल सैफ अली खान की पहली पत्नी से हर कोई वाकिफ है, यानी कि अमृता सिंह जहां पर सैफ अली खान की पहली पत्नी थी और सैफ के पहली पत्नी से दो बच्चे हैं यानी कि सारा और इब्राहिम, तो वही करीना से एक बेबी है नना तैमूर। आपको बता दें कि सैफ अली खान को पहले ही करीना कह चुकी है कि वो सारा और इब्राहिम की मम्मी नहीं है। वाकई ही शॉकिंग है। जिस इंटरव्यू की बात हम कर रहे हैं हम पूरी जानकारी आपको इस प्रोग्राम में देंगे कि किस तरह से खुद कॉफी विद करण में सारा अली खान ने करीना संग अपनी बॉन्डिंग को बताया, किस तरह की ट्विनिंग घर में देखी जाती है, किस तरह से ऑफ कैमरा यानी कि घर के पीछे का माहौल होता है, तो वही करीना भी यहाँ पर कह रही है कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। बॉलीवुड की बेबो कहलाए जाने वाली करीना कपूर खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। जी हाँ, करीना की खूबसूरती को देखकर आज भी फैंस उनके दीवाने हैं। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि करीना सारा और इब्राहिम को अपने बच्चे नहीं मानती, जो बात का खुलासा उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। जी हाँ, कि करीना ऐसा भी कह सकती है। दरअसल पिछले दौरान करण जौहर के शो यानी कि कॉफी विद करण सीजन 6 में सारा अली खान और सैफ की जोड़ी को देखा गया था। जी हाँ, इस चैट शो में सारा अली खान और सैफ ने कई राजों से पर्दा हटाया। ऐसे में सारा भी यहाँ पर इस बात का जिक्र करती दिखाई दी कि कभी भी सैफ अली खान ने उन्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया है कि वो करीना को अपनी दूसरी मम्मी कहे या फिर छोटी मम्मी कहकर बुलाए। जी हाँ, जब इस बात के बारे में खुद करीना से पूछा गया तो पहले करीना ने यहाँ पर कहती दिखाई दी है कि सारा अली खान इज अ बोर्न एक्टर। जी हाँ, आपको बता दें कि जब करीना से पूछा गया कि सारा बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है तो उनकी बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, तो वही यहाँ पर वो कहती है कि वो काफी उम्मीद करती है कि सारा अली खान जो है वो बॉलीवुड में काफी अच्छा करेंगी और वो एक बॉर्न स्टार है। तो वही आपको बता दें कि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि कभी भी जहाँ सारा और इब्राहिम जो है उनका नाता करीना से काफी खास रहा है तो कभी भी अमृता और करीना का कभी भी कोई ट्विनिंग की बात सामने नहीं आई है। अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक चैट शो के दौरान करीना ने बताया है कि सारा के साथ उनकी किस तरह की बॉन्डिंग है। जी हाँ, आपको बता दें कि करीना ने खुद कहा है कि सारा अली खान और इब्राहिम को वो अपने बच्चे नहीं मानती। करीना का कहना है कि उन्होंने सैफ से पहले दिन ही कह दिया था कि सारा और इब्राहिम दोनों के लिए वो हमेशा मौजूद रहेंगे, उन्हें जब मेरी सलाह की जरूरत होगी मैं उनके साथ रहूंगी, लेकिन मैं खुद को उनकी माँ की तरह नहीं देखती हूँ क्योंकि उनके पास एक बेहद ही अच्छी माँ है। उनके साथ मेरा रिश्ता एक दोस्ती का रिश्ता लगेगा। जी, आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ सारा ने भी अपनी सौतेली माँ करीना कपूर के बारे में कहा था कि मुझे लगता है कि करीना बेहद ही प्रोफेशनल लेडी है, जिस तरह वो अपना काम करती है मुझे काफी ही अच्छा लगता है, मैं उनसे प्रोफेशनलिज्म सीखना पसंद करूंगी। आपको बता दें कि सैफ और करीना की शादी 2012 में हुई थी जहां पर खुद करीना इस बात को क्लियर कर चुकी है कि सारा और इब्राहिम उनके बच्चे नहीं है और ना ही सारा और इब्राहिम भी खुद करीना को यहां पर छोटी मम्मी कहते हैं, जिस बात का खुलासा खुद सारा अली खान ने किया। जी हाँ, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जहां पर लाजमी है कि यहाँ पर सारा और इब्राहिम जो है वो करीना को छोटी मम्मी कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी स्टेप मदर भी हैं। जहाँ पर तो वही आप करीना को कहती है कि भाई उनकी सारा और इब्राहिम से महज एक अच्छी दोस्ती है और इससे ज्यादा उनका कुछ भी खास नहीं है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से करीना के नए नए आउटफिट सामने आ रहे हैं यानी कि जिस तरह से वो इतनी उम्र हो जाने के बाद भी अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं वो वाकई ही लाजवाब है। I think
एवरी अवार्ड इज़ वेरी स्पेशल. हर अवार्ड जब एक्टर जीतता है तो दे गेट इट्स आई थिंक अ वेरी इट्स अ बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस. सो दिस अवार्ड वॉज एक्चुअली अ कॉन्फिडेंस अवार्ड. एंड सो अवार्ड की खासियत ये है कि हम चारों को वीरे दी वेडिंग के लिए मिला. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट फोर एक्ट्रेसेस केम टुगेदर टू मेक अ फिल्म जो पहली बार ऐसी फिल्म बनी थी आई थिंक इन आर फिल्म इंडस्ट्री. एंड द फैक्ट इज़ दैट वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ बिलीफ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस से फिल्म बनाई है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया हमें. I hope, God willing, and I'm quite sure actually that the film will be super hit. But irrespective of that, I think she's a born star. Is it true that you sent your makeup artist? No, I can't answer these questions. Yes. Mr. Shah Rukh Khan was on the stage, and probably he was the person who presented the award to all of you. शाहरुख तो हर अवार्ड फंक्शन पे आई थिंक ही इज़ द बादशाह आर फिल्म इंडस्ट्री. आई थिंक देर इज नो अदर पर्सन टू रिप्रेजेंट आर फिल्म इंडस्ट्री ऑन एनी पोडियम अदर देन शाहरुख खान. थैंक आई थिंक अ लॉट ऑफ मैटर्स आर बींग एड्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैटर्स आर बींग एड्रेस्ड. एंड आज का जो अवार्ड है विच सेज ही फॉर शी आई थिंक आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द लक्स फैमिली टू सपोर्ट सच अ मूवमेंट. थैंक यू. नहीं वन हाँ आई थिंक ऑडियंस में तो आई थिंक देर आर नंबर ऑफ ब्यूटिफुल लेडीज नंबर ऑफ ब्यूटिफुल लेजेंड्स देयर जैसे रेखा जी है हेमा जी है. आई थिंक फॉर मी आई थिंक इट विल ऑलवेज बी माई मदर इन लॉ शर्मिला जी and she is also part of the Lux family, so I think she's a timeless beauty. And now everyone wants to ask, will you be there for 1st and 2nd December, the marriage receptions? What is it? Deepika and Ranveer got... Yes, we'll be there. सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से बॉलीवुड गॉसिप में हमने बात की है करीना को लेकर, सैफ अली खान को लेकर, यानी कि खान परिवार को लेकर, जहां पर अब हिस्सा है करीना यानी कि सैफ की बेगम है करीना. तो आपने देखा वो सैफ को पहले ही क्लियर शब्दों में कह चुकी हैं कि सारा और इब्राहिम की मम्मी नहीं वो दोस्त है. जी हाँ, तभी सारा और इब्राहिम करीना को छोटी मम्मी या फिर मम्मी नहीं कहते. आपको बता दें कि खुद कॉफी विद करण में सारा अली खान ने इस बात का खुलासा भी किया था कि उनके पापा ने कभी भी उन्हें फोर्स नहीं किया है कि वो करीना को छोटी माँ कहे. जी हाँ, कहीं ना कहीं बॉलीवुड है, बॉलीवुड में तमाम रिश्ते ऐसे देखे जाते हैं जो वाकई ही हैरान कर देने वाले होते हैं, जहां पे सारा अली खान की छोटी माँ है करीना, मगर वो माँ नहीं कहलवाती हैं, माँ नहीं मानती हैं और ना ही वो उन्हें अपने बच्चे कहलवाती हैं. दे आर जस्ट अ गुड फ्रेंड्स. कहीं ना कहीं शॉकिंग रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये खबर देखने को मिली है तब देखा जा रहा है कि काफी चीजों को लेकर ट्रॉलिंग भी हो रही है. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मगर तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.